हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द समीर व्लॉग्स। आई होप गाइस विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM RC 200 के बारे में कि भाई अगर हम इस गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं, डाउन पेमेंट पर लेते हैं, तो हमें मंथली जो EMI होगी वो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए और 3 ईयर्स के लिए कितनी पे करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम गाड़ी को फाइनेंस में ले रहे हैं तो भाई हमें इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी चीजें मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूं। सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, इंटरेस्ट बताऊंगा आपको, आपकी EMI बताऊंगा मंथली, 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताऊं कि मैंने 70,000 रुपीज डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है। अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट लेना चाहते हैं, कम डाउन पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आप वो आज का वीडियो देखकर वो चीज का कैलकुलेशन करके भी आप अपना EMI निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बाइक का प्राइस बता दूं, क्योंकि प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा बजट और प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो आज का वीडियो है उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राइस हमें पहले जानना चाहिए, उसके बाद हमें कोई और चीज़ बातें करना चाहिए अगर हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, KTM RC 200 का जो लास्ट टाइम प्राइस था वो था 2,27,000 रुपीज़। जी हाँ, 2,27,000 रुपये ऑन रोड प्राइस लास्ट टाइम था लॉकडाउन लॉकडाउन के पहले। लेकिन दोस्तों, अभी बाइक में जो KTM की हर एक व्हीकल है उसमें थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्राइस आपको देखने को मिलेगा हर एक बाइक में। KTM RC 200 में 3,000 या 4,000 रुपीज प्लस हुए हैं, बाइक का प्राइस बढ़ा है। दोस्तों, अभी जो KTM RC 200 का प्राइस है दोस्तों वो है 2,30,000। जी हाँ, 2,30,000 रुपये में ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अभी थोड़ा सा प्राइस हर एक व्हीकल में बढ़ा है, चाहे वो KTM क्यों ना हो। मैंने बजाज में भी देखा है कि हर एक बाइक में थोड़ा थोड़ा प्राइस आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हम EMI डाउन पेमेंट वाली वीडियो के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली जब हम किसी भी बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 12%, 13%, 11% ऐसे ही मैंने ज़्यादातर देखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं 12% लेकर आप लोगों को निकालूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइक का प्राइस बता दूं, 2,30,000 रुपीज़ टोटल बाइक का प्राइस है। अब हम 70,000 रुपीज़ DP दे देते हैं, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो 70,000 रुपये आपने DP दे दी, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट बच जाएगा। जी हाँ, 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे इस बाइक में 12% इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हम 12% लेकर निकाल रहे हैं, मतलब इस अमाउंट पे। तो जब आप 1,60,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 19,200 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट निकलता है 1 ईयर का। ध्यान रखिए, 1 ईयर का इंटरेस्ट है 19,200 रुपीज। अब ये निकालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें बाइक में थोड़ा सा प्रोसेसिंग फीस भी आपको लगता है। जी हाँ, तो 5,000 रुपीज आप कम से कम प्रोसेसिंग फीस भी अगर इस बाइक में हम जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा 1,79,200 रुपीज आपका इंटरेस्ट जोड़ने के बाद होगा। उसके बाद 5,000 रुपीज जब आप प्रोसेसिंग फीस जोड़ते हैं तो 1,84,200 रुपीज, 1,84,200 रुपये आपका टोटल अमाउंट होगा जो कि लोन होगा। उसके बाद दोस्तों, हम इस अमाउंट को जब डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक 1 ईयर में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी जो मंथली EMI होगी वो 15,300 रुपीज़ के आसपास की मंथली EMI आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी को एक साल के लिए फाइनेंस कराते हैं। तो वैसे अगर आप गाड़ी को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल का फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 1 साल का आपका इंटरेस्ट है 19,200 रुपीज़, 19,200 रुपीज़ इंटू 2 कर देंगे तो 38,400 रुपीज़ आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है। प्लस 5,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जोड़नी है, तो 2,34,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट होगा। 2,03,400 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि लोन होगा, जो कि आपको EMI में पे करना है। तो जब आप इसे 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ईयर या 2 ईयर्स में 24 मंथ होते हैं, अगर आप 24 मंथ के लिए निकाल रहे हैं तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 8,400 रुपीज़ आपकी मंथली EMI आएगी जो आपको पे करनी होगी। दोस्तों, 36 मंथ
3 साल। मेरे हिसाब से इसमें तो आप फाइनेंस मत कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो कराते हैं। तो मैं आपको 3 ईयर्स के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों 3 ईयर्स का आपको EMI निकालने के लिए सबसे पहले 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 19,200 × 3 कर देंगे तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो 57,600 रुपीज़ हो जाएगा। उसमें प्रोसेसिंग फीस जोड़ेंगे प्लस आपका 1,60,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट जो कि बचा हुआ है, तो 2,22,600 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। 2,22,600 रुपये जो कि लोन होगा, यानी कि EMI बनेगी। अब उसको हम यहाँ पे 36 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 ईयर्स में 36 मंथ होते हैं, तो 6,100 रुपीज़ के आसपास की आपकी मंथली EMI बनेगी 3 ईयर्स के लिए, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों गाड़ी को 2 ईयर्स के लिए अगर फाइनेंस कराया जाए तो सबसे बेस्ट है। कम EMI बनेगी, कम इतनी EMI बनेगी कि आप पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें।